छोड़ दो दुनिया के लोगों की बातें कि वो ऐसा है, वो वैसा है, वो सही नहीं है। अल्लाह नूज बेटा, अल्लाह जानता कि कौन कैसा है। आप किसी को उसका नेचर देख के उस पर जज नहीं कर सकते। अल्लाह कुरान में फरमाता है, वला तलमिजू अनफुसकुम, और आपस में किसी को ताना ना दो। आपका कोई हक नहीं बनता कि आप किसी पर जज करो। भले ही आपकी नजरों में वो गुनाहगार है, लेकिन क्या पता, अल्लाह जानता है। अल्लाह नूज बेटा, क्या पता अल्लाह को वो महबूब बंदा हो। भले ही आपके सामने वो बेनमाजी हो, बद किरदार हो, बद अखलाक हो, लेकिन अल्लाह जानता है कि वो कैसा है। उसकी एक्टिविटीज को देख के आप जज नहीं कर सकते, उसके दिल को आप नहीं देख सकते। हमेशा अपने आप को दूसरों से कमतर समझो, दूसरों से कम प्रायोरिटी खुद को दो। वो होती है इंसानियत। ये हमें हमारा दीन सिखाता है। ये नहीं कि आप खुद को वलीउल्लाह समझो, अल्लाह का नेक समझो, और दूसरों को बद किरदार, बद अखलाक, बेदीन समझो। ये दीन नहीं सिखाता है। इसलिए यू डोंट हैव एनी राइट, यू आर नॉट परमिटेड, यू आर नॉट अलाउड टू जज समवन्स इंटेंशन। आपको कोई हक नहीं बनता। जजिंग अदर्स इंटेंशन इज द राइट ऑफ अल्लाह सुबहानहू व तआला। वही जानता है, उसी का हक है। हम बंदे कुछ नहीं कर सकते। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाते हैं, मन आब अन्नास फलयदअ बिनफ्सि बिफोर जजिंग अदर्स जज योरसेल्फ। दूसरों को जज करने से पहले खुद के गरेबा में देख लो कि आप खुद कैसे।